भक्ति विधान स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम प्रणिपात बात करता हूँ। महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आज गुरुदेव की आज्ञा है कि भगवान की और भगवान के भक्त यानी भगवत भागवत चरित्रों पर कुछ मैं अपनी कुछ कह करके अपनी वाणी को धन्य करूं। तो आगे के देखो फ्रंटियर वो थे, फ्रंटियर नहीं करके और जो बैकवर्ड सेक्शन में बैठा है उसको पहले माइक मिल गया। मुझे तो पता ही नहीं था। एक श्लोक है, द्वितीयम च द्वितीयम वा तृतीयम च तृतीयम वा पर मध्यस्ते मध्यस्त्वा प्रथमज्ञो। मतलब ये जो डायरेक्टर होता है ना, जो मूल जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन होता है, वो सजेस्ट करता है कि पहले किसको नंबर देते हैं, दूसरे में किसको और तीसरे में किसको। कभी तीसरा नंबर वाला पहले नंबर में पहुंच जाता है। तो इसीलिए तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के यहाँ पर संत जो हैं पधारे हैं। भगवान अतिशय प्रसन्न कब होते हैं? भगवान अतिशय प्रसन्न तब होते हैं जब उनके भक्त प्रसन्न रहते हैं। भगवान एकमात्र, देखिए भगवान को भक्त वांछा कल्पतरु बताया है। भगवान भक्तों की समस्त भगवान भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में सर्व समर्थ है। भगवान अपने आप को भी, भगवान कहते हैं यद्यपि लक्ष्मी त्वं स्नेहत्यात्मद्भुतम्, मैं तुम्हें भी इतना स्नेह नहीं करता, यद्यपि तुम बहुत अद्भुत हो, मैं उतना स्नेह अपने भक्तों को करता हूँ। आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं सुना देता हूँ। अभी अभी रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी है। मेरे को पता था कि गुरुदेव मुझ पर कृपा करके माइक दे ही देंगे, तो मैंने कहा जल्दी से कुछ बोलने के लिए पढ़ लूं। तो एक व्हाट्सएप पे एक स्टोरी आई थी। देखो इस स्टोरी का शीर्षक क्या है, इस स्टोरी का पहले मैं बताता हूँ कि सदैव गुरु आज्ञा का पालन करना, श्री गुरुदेव जो कहें उसका आज्ञा पालन। यद्यपि मैं ये बात कहने योग्य तो नहीं हूँ क्योंकि कभी कभी मैं मिस्टेक कर देता हूँ, लेकिन फिर भी इसका यही शीर्षक है। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार था, वह बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था, अत्यंत आकर्षणीय मूर्ति प्रस्तुत कर देता था। तो क्या हुआ, उसकी मूर्तियां जगह जगह पर बिल्कुल फेमस हो गई थी, लेकिन उसको एक अंदर दुख था कि उसके कोई बेटा नहीं था या शिष्य नहीं था जिसको वह मूर्ति की कला जो है वो बता दे, यानी वो अपना प्रसाद दे दे उसे, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो मूर्ति बना रहा था, एकदम से एक कोई लड़का 9 या 10 साल का कोई लड़का आया और मांगने के लिए, और जैसे ही गेट खटखटाया उसने दरवाजा खोल करके कहा बेटा क्या, उसने कहा इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ था उस समय, तभी मेरे माता पिता गुजर गए थे और आज मैं थोड़े टाइम वहां रहा, थोड़े टाइम यहाँ, आज मुझे बहुत भूख लग रही है और आप कुछ मुझे खाने के लिए दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा बैठ। तो उसको खाने के लिए उन्होंने कुछ दे दिया, खाने के लिए जैसे दिया तो थोड़ी देर तक बैठे बात करी उससे। वो मूर्तिकार बहुत प्रभावित हुआ उस पे, तो मूर्तिकार ने उसको कहा कि मुझे, मूर्तिकार ने सोचा कि मुझको अपना शिष्य मिल गया तो ठीक है। तो उसको मूर्ति के उससे कहा कि बच्चे तुम मूर्ति बनाना सीखना चाहते हो? तो बच्चा बोला कि हाँ बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। तो मूर्तिकार ने सारा का सारा प्रसाद उस मूर्ति बच्चे को दे दिया। जब उसको अच्छी तरह सिखा दिया तो वो बच्चा भी उनकी बहुत सेवा करता। तो क्या हुआ, उसको सिखा दिया सब कुछ। हरे कृष्णा, अब बोल दूं आगे की कहो तो सुना दूं कुछ।
वो बच्चा हाथ हिला रहा नहीं। तो क्या हुआ, तो उन्होंने उनको, उन्होंने उस बच्चे को सारी की सारी कला सिखा दी कि कैसे मूर्ति बनती है। जब उसको सारी चीज बता दी तो अंत समय उस मूर्तिकार का आया और वो लेटा हुआ था बेड पे, वो बच्चा उसकी सेवा कर रहा था। तो धीरे धीरे से शब्दों में उस मूर्तिकार ने बच्चे को कहा कि बच्चे अपनी कभी भी अपनी कला का अहंकार नहीं करना, और कभी भी अपनी कला के ऊपर ना अहंकार करना, और मुक्त भी मत हो जाना, और ना ही कभी गर्व करना। तो ये सारी की सारी सीख उसने दी। अब उसके शरीर छूट गया। फिर क्या हुआ, वो ऐसी मूर्ति बनाने लगा बहुत सुंदर सुंदर। एक दिन एक संत उसके घर पे आए, वो बच्चा रह गया था, वो जो मूर्तिकार था वो तो पधार गया था। तो बच्चा मूर्ति बना रहा था, एक दिन एक संत आए। संत ने कहा कि बच्चे तुम बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हो, तो एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना के दिखाओ। तो उसने एक महीने का समय मांगा। एक महीने का समय मांगने के बाद उसने मूर्तिकार ने बहुत, उस बच्चे ने इतनी सुंदर मूर्ति बना दी, इतनी सुंदर श्री कृष्ण की हाथ में माखन लेकर के बहुत सुंदर सी मूर्ति बना दी। संत आए, संत देख करके रीझ गए कि तो बहुत सुंदर ठाकुर जी बनाए हैं। वो उस पे ऐसे रीझ गए, उसने उसको आशीर्वाद दिया कि जा तू किसी भी दैवी शक्तियों की या और शक्तियों की तू बातें सुन पाएगा। अब उसको जो आशीर्वाद दे दिया था तो वो संत चले गए। अब क्या हुआ, वो मूर्तियां बनाने लग गया। एक दिन क्या हुआ, कुछ दूत आकाश से उसके घर पे आए और एक दूसरे से बात कर रहे कि इस बच्चे को क्या पता कि 5 दिन बाद ये बच्चा चला जाएगा, 5 दिन ही हैं इसके पास शेष। तो वो, उसको तो आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो दैवी वार्ता सुन सकता है, तो उसने वो सुन लिया। और सुन लिया तो उसने क्या किया, 5 दिन बाद या 5 दिन बाद यम के दूत आएंगे मुझको ले जाने के लिए, तो उसने अपने ही जैसे 4 और मूर्ति बनाई, सेम डिट्टो, बिल्कुल सेम टू सेम मूर्ति बनाई। जैसे ही आए यम दूत 5 दिन बाद, तब देखा कि ये तो सारे के सारे एक ही जैसे हैं, किसको ले जाएं, किसको ले जाएं, सेम हुआ हूं वैसे ही। अब क्या हुआ, जब देखने लगे कि वो पता नहीं चल पाया, तो फिर क्या, वो अचंभे में पड़ गए। तो एक जो दूत है उसने दिमाग लगाया, उसने कहा इसमें से एक मूर्ति है वो अच्छी नहीं लग रही, उसमें एक की आंख बड़ी है, एक का नाक छोटा, यद्यपि ऐसा था नहीं, पर वो बताने के लिए इनमें से कौन है। तो जैसे ये देखा तो उस बच्चे को अहंकार आ गया, उसने तुरंत कहा ये कैसे बोल रहे, इतनी सुंदर तो मूर्ति है, बस वो पकड़ में आ गया, वो यमदूत उसको ले गए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि आखिरी आखिरी में जब वो उस बच्चे को, वो कलाकार वो सब सीख दे के गया था कि बेटा अपनी अपनी कला पे अहंकार मत करना और ज्यादा उत्तेजित मत होना, वह उसने नहीं मानी। अपने गुरुदेव की बात ना मानने पर वो आज चला गया, उसको लेकर के चले गए। इसलिए सदैव गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। वांछा कल्पते नमो नमः। मध्यारति मिरांगस्य ज्ञान ज्ञानंजन सलाके चक्षुरुन मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदावन गए हो, कौन गया? अगर नहीं गए तो हम हर महीने बस लेकर के जाएंगे, जाना कौन चाहता है? हरि बोल। तो जैसे आप लोग जो वृंदावन गए होंगे, आपको आप लोग देखे होंगे, वृंदावन में एक सुंदर मंदिर है, वो मंदिर का नाम है लाला बाबू मंदिर। देखा है? नहीं देखा? अब के बार हम दिखाएंगे, इसीलिए वृंदावन चलना है, ठीक है ना? तो एक समय क्या हुआ, एक सेठ आदमी था जिसका नाम था लाला बाबू, वो बंगाल के थे। अब बंगाल में लड़ाई चल रहा है ना वहीं पे, तो वहां के जो बाबा थे उनका नाम, सेठ आदमी था उसका नाम था लाला बाबू। अब एक दिन क्या हुआ, लाला बाबू के घर के बाहर किसी ने आवाज लगाया, फेरी वाला फल ले लो, फल ले लो। अब इसको सुन करके लाला बाबू जो थे वो बाहर आए, छत की बालकनी होता ना यहाँ, जैसे बालकनी में आकर के झांके तो फल वाला कहता है कि ले लो ले लो।
अब लाला बाबू थोड़ा लेट कर रहे थे, तो फल वाला कहा बाबू जल्दी आ जाओ, और मेरे को जो है जाना बहुत दूर है और मेरे पास समय बहुत कम है। जो लाला बाबू थे इतने में उन्होंने एकदम से उनको ये दिमाग में बैठ गई ये बात, क्या बैठ गई, जाना बहुत दूर कि मेरे को जाना बहुत दूर है, मेरे पास समय कम है, बहुत कम है। इसलिए जैसे मान लो हमें एकदम से ट्रेन पकड़नी है तो हम क्या करते हैं, जो टाइम लेकर के हम अपना कोई स्नान आदि जो भी काम करते हैं ना, कोई खाना है हमें 10 मिनट लगता है तो 5 मिनट में निपटा देते हैं, करते हैं नहीं, क्योंकि हमें जल्दी निकलना है। तो लाला बाबू ने सोच लिया कि भैया जब जाना बहुत दूर है और हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए लाला बाबू ने सोचे कि हर एक व्यक्ति जिसको ये मनुष्य का जीवन मिला, शरीर मिला है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका यही एकमात्र कर्तव्य क्या कि भगवान की भजन करे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हम क्यों आए हैं इस जगत में, हम आए हैं भगवान के भजन करने के लिए, पर आकर के क्या करने लग गए, खेतियों में कपास चुनने लग गए, तो ये नहीं करना। अब उन्होंने अपने जीवन का महत्व समझ लिया, ये सूर्य देख रहे हो आज तो उगे नहीं, रोज निकलते आज थोड़ा कोहरा हो गया, 2 महीने ऐसे ही रहने वाला है, थोड़े जैसे जो सूर्य निकलता है वो सूर्य क्यों निकलता है, हमारे शास्त्र भागवत इस बात को बताते हैं कि सूर्य जब निकलता है वो क्यों निकलता है, कहते हमारे जीवन का एकमात्र जो जो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, हर कोई जीवन जो मिला है एक एक दिन नष्ट करने के लिए सूर्य उगता है, और जब साथ में जाता है तो हमारे एक दिन लेकर के जाता है। पता चलता है कि जब सूर्य शाम हो जाता है हमारा एक दिन का 12 घंटा कब खत्म हो गया, हमें पता नहीं चलता, ऐसे 12 घंटा कब खत्म होते होते बचपन से बुढ़ापे में हम पहुंच चुके हैं और पता ही नहीं चला। ये काल की गति जो है बड़ा बड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए लाला बाबू ने देखा भैया ये सूर्य अस्त होने वाला, मतलब ये फेरी वाला तो उसने बोला कि भैया मेरे को अपना घर जाना है, पर लाला बाबू सोच लिया कि हम सब का घर है भगवान की धाम, और वो घर बहुत दूर है, हमारे पास समय बहुत कम है, कुछ ही साल बचा हुआ, वो कोई भी नहीं जानता कि कुछ महीना बचा हुआ, कुछ हफ्ते या कोई दिन, कुछ घंटे मिनट सेकंड बचा हुआ, इसीलिए मेरे को भजन करना है। पर जब वो नीचे आए अब थोड़ा सोचने पड़ गए कि भैया काम काज भी तो बहुत है, समय भी तो लगता है हमें, कुछ अपना जो जिम्मेवारी है, बेटी की शादी करनी है, बेटा को नौकरी नहीं लगवा है, और घर परिवार में थोड़ा बीमारी वगैरह चल रहा है, तो बहुत से काम है जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ। ध्यान देके सुनने वाली बात है, दो चीज उनके जीवन के से बदला दिया और इतने बड़े संत हुए। वे आकर के सोचने लग गए कि भैया मैं थोड़ा अपना घर की काम काज निपटा दूं और जो 1 साल 2 साल में सब काम खत्म करके वृंदावन चल लूंगा मैं भजन करने के लिए। तो वो बीच रास्ते में खड़े होकर के वो सोच रहे हैं कि क्या करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं। ऐसा हमारे हमारे दुविधा भी हमें ऐसा ही बनता है ना कि कभी कभार हम सोचते हैं कि भैया भजन कर ले, आज भजन कर लेते हैं, आज एकादशी है, अरे क्या एकादशी पे तो कोई बात नहीं, खा पी लेंगे सो लेंगे, और जैसे सो जाते हैं फिर एकादशी निकल जाती है। ऐसा ठीक इसी प्रकार से लाला बाबू सोच में पड़ गए। तो वहां पे जो जमादारनी है वो झाड़ू दे रही थी, बोले कि बाबूजी या तो आप इस पार हो जाए या तो आप उस पार हो जाए, कहीं एक छोर पे आप आ जाइए। लाला बाबू को तो पता था भजन ही एकमात्र साथ में जाने वाला चीज है, यदि मैं इस पार हो जाता हूँ मतलब संसार की तरफ तो कब हमारे हाथ से समय निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए दोनों तरफ दोनों नाव में पैर दे के कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान आज तक सफल नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे को सब कुछ आंखों को बंद करके ये वृंदावन को जाने के लिए मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी। अब लाला बाबू अपने मन को दृढ़ रूप में बना करके वृंदावन आए, पर वृंदावन में जब भजन करने बैठे तो भजन में क्या होता है ना कि जैसे बैराग्य साधु संत विरक्त साधु संत होते हैं, अब वो क्या करते हैं मधुकरी कुछ मांग के जो भी खाली है और खा पी करके अपना पेड़ के नीचे कभी किसी छत के नीचे बैठ करके भजन करके अपना जीवन बिता देते हैं। तब उन्होंने क्या देखा कि अब मेरे पास जो है गुरुजी है, तो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को बोले गुरुजी अब हमें जो है आज्ञा दीजिए कि कुछ भिक्षा वगैरह करके जैसे जीवन निर्वाह करें। तो गुरुजी ने बताया कि देखो बेटा ऐसा है, यहाँ पे एक सेठ आदमी यहाँ पे बहुत सुंदर खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं, तुम एक काम करो,
खाने पीने की कोई चिंता मत करना, क्योंकि वृंदावन साक्षात राधा रानी का गोद है और तुम उनकी गोद पर बैठे हो, तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले ठीक है। अब जैसे लाला बाबू देखा कि वो सेठ के पास आए, वो देखा कि वो सेठ कौन है। जब ये अपने घर पे रहते थे, वो सेठ इनका एक बराबरी वो था, सेठ था, जो कि लाला बाबू भी एक सेठ थे और वो भी बंदा एक सेठ था। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई थी, कोर्ट कचहरी माल मुकदमा की ये मतलब बात थी। इसलिए लाला बाबू ने देखा कि भैया ये तो मेरा पुराना दुश्मन है, अब इसके पास मैं कैसे जाके इसे भिक्षा मांगू। कई बार ऐसा होता है ना जैसे हमारा कोई प्रतिद्वंदी है और बहुत जरूरी काम पड़ता है, तभी हम उसके पास नहीं जाते हैं। मतलब ये रास्ता निकलता है हमारे पड़ोस वाले रास्ते से, हम आराम से रोड को निकल जा सकते हैं, पर क्योंकि पड़ोसी हमारे शत्रु है, हम घूम फिर करके उस तरफ जाएंगे, पर कभी हम उससे दो बात कह करके अच्छे से उससे उसके मन को प्रसन्न करके हम उस वाले रास्ते से गुजरते हुए नहीं जाते, क्यों? अपना अभिमान। तो भजन में सबसे बड़ा बाधक ये अभिमान है। अब ये अभिमान के मारे अब उस सेठ के पास में जा नहीं पाते। गुरु जी ने बताया कि वो वहीं पे चले जाना, दो भक्त की रोटी तुम्हें मिल जाएगी आराम से और भजन करना, परंतु ये कर नहीं पा रहे। तब गुरु जी ने बताया कि देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन को माटी बना करके, इस शिक्षा की बात है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को माटी बना कर, यानी कि पराए निज जितने भी सारे सगे संबंधी की जो मान अभिमान है, इन मान अभिमान को जो व्यक्ति परित्याग करके भजन के लिए आगे बढ़ जाता है, भगवान केवल उसी का ही सुनते हैं। दो व्यक्ति दो काम जरूरी याद रखने वाली बात है, जो कुछ हमारे जीवन के महत्व को समझा, ये भगवान के नाम से मैंने अपना काम किया। कई बार कई लोग बोलते हैं कि भैया ये नाम लेने से क्या बनता है, आप लोग पूछते हो ना। अभी मैं आ रहा था यहाँ पे फल वाला घर, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया इनके घर कहाँ पे, बोले बड़ा सा गोल सा दिख रहा है ना, ये आपका ऊपर से दिख रहा है, बोले यहाँ चल जाओ, सारे पंडित वहीं गए हैं है ना, और सारे माला जाप करते हुए गए। मैंने कहा अच्छा, तो लोग कटाक्ष करते हैं कि जो माला जाप करता है, तुम तो बड़े हरि नाम करते हो, राम नाम लेते हो, तो क्या इससे तुम्हारा काम चलता है? हम तो पूरा दिन काम करते हैं, तुम लोग केवल नाम करते हो, इससे तुम्हारे काम चलता है क्या? बोलते हैं बिल्कुल चलता है। बताओ एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम फंसा हुआ है, कहीं जॉब नहीं लग पा रहा, कोई व्यक्ति को आपने बताया यार भाई मैं बड़ा परेशान हूँ क्या करूँ, उसने बोला भाई अरे तू वहां पे तेरा काम अटका हुआ है, तू बस मेरा नाम भाई का नाम ले लेना, देखना सारा काम हो जाएगा। अच्छा, तो वो व्यक्ति अगले दिन वहां जाता है और कहता है कि अरे तुम उनको जानते हो, बस ये कहकर के जैसे वो बोलता है कि अच्छा वो भाई का ना, चल भाई तेरा तो फाइल पास कर दिया मैंने। तो एक साधारण जो अभी मरने वाला शरीर है, उसी के नाम लेकर के अगर बड़ा से बड़ा काम बन जाते हैं, जो प्रभु का नाम लेकर के काम नहीं बन सकता। अरे ये हनुमान जी के पास हम सारे जाते हैं, हनुमान जी हमारे काम को कैसे बना देते हैं, हनुमान जी के सारे काम कैसे बनते हैं, भगवान के नाम के। ये ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान के नाम से। शंकर संहार कैसे करते हैं, भगवान के नाम से। फिर व्यक्ति को पूछता है कि भैया ये नाम लेकर के क्या हमें बल मिलेगी, होता है ना कि ये नाम लेकर के हमारे शरीर क्या पुष्ट होगा, बल मिलेगा क्या? नाम से सारे बल भी है। मैं बताऊं, भगवान भी जो काम करते ना वो अपने नाम से करते हैं। कृष्णा जब छोटे थे, जब कंस जब मामा जब कोई असुर को भेजता था, तो उस असुर से पीड़ित होकर के माँ यशोदा कृष्ण को झाड़ा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? उनके ललाट पे केशव, गोविंद, नारायण, माधव, यज्ञ नारायण इत्यादि नामों को उच्चारण करके माँ उनको झाड़ देती है। तो भगवान की नाम से बल कुछ सुनिए, तो उदास से बैठा हुआ व्यक्ति अगर रोहित का नाम लेते ही इतना एनर्जी उसके अंदर आ जाता है, कृष्ण का नाम राम के नाम से क्या बल नहीं है? माननी पड़ेगी। कोई कहता है भैया क्या इसमें आनंद है, भगवान के नाम में आनंद है? तो जब लाला ठाकुर जी जन्म हुए तो क्या बोला गया था उस समय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नंद की कृष्ण ही तो हुए थे, आनंद कहाँ हुए थे जो आनंद हुए, क्योंकि कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण का दूसरा नाम ही आनंद है। तो जो भगवान के नाम लेता है उसको आनंद मिलता ही मिलता है। और चौथी बात कह रहे हैं कि क्या इस ये कृष्ण का नाम हमें बचाव करता है, तो बचाव के लिए देखो, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसको नाम, भगवान के जो नाम है ना,
उसको हर बारी रक्षा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। द्रौपदी के नाम सुना होगा, इतने बड़े बड़े रथी महारथी उसको नहीं बचा पाए, भगवान का नाम ही तो बचाया था उसने, भगवान के नाम पुकारी थी तभी तो बचा पाए। गजराज हाथी जब उसको मगरमच्छ खींच कर लेते हुए चला जा रहा था, किसने बचाया था? विभीषण को किसने बचाया था? इसलिए इसी नाम के अंदर सब कुछ है। जीवन में अगर कभी कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता ना, भैया खुद मेरे साथ कोई गलत काम कर दो, ठीक है भैया मेरे को 10 मिनट टाइम दो, मैं थोड़ा भगवान के नाम ले लेता हूँ, बाद में तुम्हारे साथ जाऊंगा, चोरी भी करूंगा, कोई गलत काम भी करना करने के लिए जाना है ना, तो भगवान के नाम के साथ ही करना। घर में लड़ाई वड़ाई करते हो ना बच्चे लोग आप, तो एक दूसरे को लात गुस्सा मुक्का भी मारना भगवान के नाम से ही मारना, ठीक है ना। अज्ञान निवृत्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। सही बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे जी गुरु जी। हाँ जी, लाइव करता हूँ। हाँ ठीक है, सर्वप्रथम खड़े खड़े हो सब दर्शन। हाँ इधर देखो, सुना इधर, मैं कोई सोचता हूँ ये बाबा लोग का कुछ काम धाम है नहीं, और आ करके भगवान कथा सुना रहे हैं। लेकिन जो जो बच्चे जो कथा सुना रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ अभी भी नौकरी कर रहा है, इसका तनख्वाह 1,00,000 रुपया है, अपना काम भी कर रहे हैं और उसको साथ साथ में अपने भगवान की भक्ति भी कर, इसलिए भगवान की भक्ति करने से जीवन सुधर जाता है। अगर तुम्हारा बेटा होगा ना, अब क्या करता है खुद बताओ, बताओ बेटा, अगर बेटा होगा स्मार्टफोन लेकर तो उल्टा पुल्टा बेटा होगा, हाँ उल्टा पुल्टा काम में कहीं लगे हुए होंगे, हैं गप्पे मारे होंगे उल्टा, लेकिन ये बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ भगवान की भक्ति भी करते, भगवान की भजन भी करते हैं। इसलिए अपना बल से में अगर एक बेटा अगर प्रभु का भक्ति में लग गया, एक बेटा ध्यान दे उसमें, एक बेटा अगर भक्ति में लग गया ना, तो उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाती है। कितना पीढ़ी? 21 पीढ़ी। अगर बेटा अगर गलत काम में गया तो उसका पुण्य पिता माता को मिलेगा, उसका पाप भी पिता माता को मिलेगा। ऐसे नहीं बच्चे को जन्म दे दिया, नाम से 3 बच्चे, एक गंजड़ी एक गंजड़ी और एक छोरों में होगा, और बच्चा कितना 3-4 बच्चे, लेकिन सब उल्टा पुल्टा काम कर नहीं। इसलिए माता कुंती के कितना बेटे थे? 5। ये सब के सब कृष्ण भक्त थे। गांधारी के कितने बेटे थे? 100। बोलो 100। लेकिन सब के सब उल्टा पुल्टा राम, सब इनका नाम भी कोई नहीं लेते, ठीक है ना। ऐसे बेटा जन्म देना जो कि भगवान की भक्ति करे, ऐसे नहीं बेटा जन्म दिए और छोड़ दिए, नहीं बेटा को तभी जन्म दो। ये सुमित्रा कहती है, कहते पुत्रवती युवती जगस्वी रघुपति भक्ति जासूस तो, हिंदी समझती हो? कौन हिंदी समझती है? देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते उसी माँ को बच्चा देना सार्थकता है। अगर बेटे अगर प्रभु का भजन करे, अगर सीताराम की भजन करे, तभी बच्चे जन्म देना सार्थकता है। दूसरी लाइन में कहती है, अगर तुमने बच्चे को भजन नहीं करा पाई, बोले सूअर क्या बच्चा जन्म नहीं देगा, एक साथ में तो एक दर्जन बचा दे। इसलिए वो कहती है माता सुमित्रा, अगर बच्चे हैं, अगर प्रभु की भक्ति नहीं कर पाए, वो दूसरी लाइन में कहती है मैया को बांध रहना सही है, बच्चे देना जन्म देने का कोई तरह की जरूरत नहीं। अगर बच्चे तभी जन्म देना जब बच्चे को प्रभु की भक्ति में लगाओगे, नहीं तो कहती बच्चे जन्म मत दो। और दूसरी बात है, बच्चा का भजन करेगा जब पिता माता खुद भजन करे, तभी तो भजन करेगा। खुद अगर टीवी देख रहे हो उल्टा पुल्टा काम, तो बच्चे भजन किसी करेगा। इसलिए पहले क्या करो, पहले पिता माता को भक्ति करो,
पहले अपना पिता माता पहले भक्ति करें, उसको बाद में बच्चे अपने आप सीखेंगे, खुद तो भक्ति नहीं करके होगा। जैसे माता जी जो वीडियो लेते माता जी वीडियो लेती का भी दो बेटी आई, देखो ये दो बेटी आई, देखो बेटी तो गले में तुलसी कहती है, इधर घूम जाओ दिखाओ, इधर देखो ये दोनों बेटी है पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, देखो कंठी है गले में तिलक है, और सबके तो भजन करते हैं भक्ति करते हैं, वो भी देखो तुम्हारी माँ ही है, दोनों बहने आई हैं, ये भी बच्चे सब बच्चे, इसलिए क्योंकि इनके पिता माता मंदिर में आते हैं, इनके पिता माता मंदिर में आते हैं, इसलिए इनका बच्चे भी मंदिर में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए क्या करो भगवान की भक्ति करो, ठीक है ना, क्या करना भगवान की, गले में कंठी धारण करो, तिलक लगा दो, ये परिवार है, ये जो परिवार है आज ये संत लोग क्यों इस घर में आए बताओ, क्योंकि इनका जो माता जी घर में, माता जी रोज मंदिर में आती है, तिलक लगाई गल में कंटी, तू क्या खड़ी हो रहा हाँ नहीं वो बात खड़ी, बच्ची को देखो पढ़ाई कर रहे हो, कितने में पढ़ रही हो, टेंथ, देखो इसको देखो तिलक लगाए, गले में तुलसी की माला देखो, क्योंकि इसका माँ मंदिर में आती, पहला गुरु माँ है, पहला गुरु कौन है माँ, माँ अगर माँ अगर भक्ति करे बच्चे तो अपने आप जाएंगे ना, ये मंदिर में जा रही है, इसलिए इनका बच्चे भी स्वाभाविक रूप में क्या कर रहे हैं, मंदिर में आते हैं कथा सुनने के लिए आते हैं, और जिस घर में बच्चे भगवान की भक्ति लगेंगे ना, फिर बच्चे गंदे बच्चे नहीं बनेंगे, उल्टा पुल्टा रास्ता में नहीं जाएंगे, हैं सिगरेट फूकेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, शराब दारू नहीं पियेंगे, हम तो घर घर में बहुत सारे घर में जाते हैं कभी पिताजी पति दारू पीता है, हाँ पति से परेशान, पति दारू पीता है, बच्चा दारू पीता है, बात नहीं सुनता, क्यों उनकी संगत दोष, जैसे संग में बैठे वैसे रंग बदलेगा, जैसे संगत, इसलिए गौड़ी मठ में आना, ठीक है ना, हरी बोल, खुद भी आओ बच्चों को भी लेकर के आओ, देखना बच्चे अच्छे बनेंगे, गलत रास्ता पर कभी बच्चे नहीं जाएंगे, उल्टा सीधा रास्ता पे बच्चे नहीं जाएंगे, इसलिए सबके सब की करना उसे मंदिर में आना, ठीक है, अब देखो बच्चा कथा बनाएगा। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपा श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ, तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणा बिंदु में मेरा अनंत कोटि नमन प्रणाम, तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु वैष्णव सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य नमन प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरि कथा सुनाने के लिए, जिसमें नाम की क्या महिमा है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, हाँ ये भजन से क्या होगा, भारत संस्कृति भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, तो गुरुदेव जी जो पहले बता रहे थे ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे जीवन में होना चाहिए अभी भारत में और जो नहीं रह गया वो है संस्कार, क्या है संस्कार, संस्कार, इस संस्कार की बहुत बड़ी कमी हो गई, एक चैनल तो आता है संस्कार लेकिन उस संस्कार नहीं आ रहा है लोगों में। अब देखो एक छोटी सी कथा, रियलिटी एक छोटी सी कथा, एक जैसे गांव के अंदर है ना, माता जी लोग कुएं में पानी भरने जाते हैं, कुएं में पानी भरने, तो ये गांव की कथा है, तो चार माता उन्हें जैसे तैसे जोड़ तोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाया लिखाया और वो नौकरी कर रहे, तो चारों की चारों माँ जो है वो अपने पानी भर रही है कुएं में से, क्या भर रही है पानी भर रही है, पानी भरते भरते एक बोलती है, अरे जानती हो मेरे बेटे को मैंने इतनी मेहनत करके आज इंजीनियर बना दिया है, खूब पैसे कमा रहा है, बढ़िया रह रहा है, दूसरी बोलती है हाँ मैंने भी उसको डॉक्टरी करा दी है बेटे को, अब डॉक्टर बन गया है, खूब बढ़िया रहता है, तीसरी बोलती मेरा तो पहलवानी करता है, फिल्मों में जाता है, हैं फिल्मों में मॉडल बन गया, क्या बन गया मॉडल बन गया, चौथी जो थी वो थोड़ी भजनशील माता जी, वो बोले भाई हमने तो बच्चों को इतना कुछ पढ़ाई वढ़ाई कराई नहीं लेकिन संस्कार अच्छे दिए हैं, बच्चा खेती बाड़ी करता जैसे तैसे अपना वो चला रहा है। अब ये चारों बातें ही कर रही थी, इतने में जो माता जी बोली ना कि मेरा बेटा इंजीनियर है, वो बेटा जाने लगा और ये पानी भर के अपने अपने मटके लेकर के घर की ओर चलने लगी, अब रास्ते में मिला वो इंजीनियर बेटा, तो माँ बोली वो देखो 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 मेरा बेटा आ रहा है, वो तीनों बोलती बोला हाँ और बेटा आता है, बोला और माँ का पानी भर ठीक है बेटा चला जाए। दूसरे बार डॉक्टर वाला जो बेटा था वो आता है, माँ बोलती हो देखो मेरा बेटा डॉक्टर कितनी बड़ी कार में आ रहा है, तो बोलती बार हाँ क्या बढ़िया कार ली है तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा कमाता है, आया और बेटा बोला माँ को हाय करके निकल गया। तीसरा आया,
ये तीसरा वो है जो फिल्मों में मॉडल है, वो बिल्कुल मोटरसाइकिल पे एकदम बाल जैसे झटकता हुआ आता है। वो बोलता है, और माँ पानी वानी भर रहे? बोला हाँ बेटा। बोला ठीक है, अच्छा भरो और चला जा। चौथी बोलती बोला ये, बोला वो उसको शर्म आती है अपने बेटे को, सब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी। चौथा वो बेटा आता है, वो देखा तो वो तो गाँव का, वो आता है वो देखता है माँ को, तो बोलता माँ को प्रणाम करता है पहले, और वो मटका ले लेता है सिर पे से और ले करके चला जाता। वो जो दो तीनों होती ना, बोला हम तो झूठा दिखावा कर रही थी, बेटे इतने बेकार है, किसी काम के नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर तो बन गए, संस्कार जीरो है। क्या है? जीरो है। ये पढ़ाई लिखाई हम लोग कराते तो है, सब बच्चों कराते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो निकल गई। पर संस्कार कहाँ से आएगा? जब तक हम रामायण भागवत गीता नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनको संस्कार नहीं देंगे, जब तक संस्कार आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। रामायण पढ़ते उसमें लिखा है प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। सुबेरे सुबेरे परब्रह्म परमेश्वर है स्वयं राम, वो क्या करते हैं? अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, करते कि नहीं करते? रामायण में देखा ना सबने। जब ये संस्कार हम नहीं देंगे बच्चों को, तो बच्चे फिर वैसे ही बने जैसे वो डॉक्टर गया ना, डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन मटका आपको ढोना पड़ेगा। इसीलिए संस्कार देना बहुत जरूरी है। अब ये भजन क्यों जरूरी है ये भी सुन लीजिए। अब ये स्टोरी देखो, ये जो प्रभु जी है ना चिराग प्रभु, देखो कथा का महत्व। ये बोले कि मैं लास्ट में बैठा था और क्या हुआ, मेरे को पहले दे दिया बोलने के लिए। कथा की महिमा देखो, ये खड़े हुए और सबका मुंह उधर हो गया, ये फर्स्ट हो गए, उधर वाले लास्ट हो गए कि नहीं हो गए, ये कथा की महिमा। अब एक और कथा सुनो। देखो ये मेरे अनुभव की बात है, ये मेरी कथा है और इसके अंदर किरदार है तीन चार लोग, ठीक है, उसमें से एक मैं हूँ, एक ये प्रभु जी है, एक हमारे दामोदर प्रखंड नोएडा में रहते हैं, और चौथे गुरु जी है। एक बार एटा का नाम सुना आपने? एटा नाम की एक जगह है, एटा नाम की जगह में गुरु जी की बहुत बड़ी रथ यात्रा थी। हाँ, रथ यात्रा के अंदर सबको बुलाया था, तो गुरु जी ने बोला तुम भी आ जाना, हमें बोला क्या तुम भी आ जाना, बैठ जाओ जल्दी जल्दी माता जी। गुरु जी ने बोला तुम भी आ जाना, तो हम आने लगे, तो बोला कैसे जाएंगे, तो हमने बोला कार से तो कौन जाएगा, कैसे आएंगे, हम लोगों ने सोचा बस से जाएंगे। किससे जाएंगे? बस। अब बस से जाना था, ये ऑफिस में वो भी ऑफिस में। अब मेरी उस दिन छुट्टी थी, तो मैं सुबह जल्दी जल्दी निकलना था, तो मैंने क्या करा, सोचा कि बस में जाएंगे, तीन चार घंटे का रास्ता है, सुबह बिना खाए जाएंगे, क्या खाएंगे वहां पे, कुछ मिलेगा नहीं, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो कैसे मिलेगा। तो मैंने सोचा बना लेता हूँ, कुछ छोटा मोटा बना लेता हूँ, मेरे को इतना अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं सुबह जल्दी उठा, आलू वालू छीले काटे और टमाटर वमाटर काट के मैंने आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई। डेढ़ घंटा लग गया बनाने में, ज्यादा पूड़ी बने, ज्यादा खाते ना सब लोग, मैंने सब्जी बनाई, जीरा टमाटर सब डाल डूल के, उसमें मसाले डाल डूल के, बढ़िया सब्जी दिखने में एकदम चकाचक लग रही थी। फिर उसके बाद ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया और खाया नहीं, और फटाफट डब्बे में पैक करा और चल दिए, ले गए। ये लोग भी आ गए ऑफिस से, और बस में हम लोग बैठ गए, बड़े खुश कि अब खाने को भी है, पानी भी है, अब बस जाना है, जब मर्जी करो जब खा लो, है ना ऐसे, हम जाते जब मर्जी हो जब खा लिया। लेकिन जब खाने लगे थोड़ी देर में, ये लोग भी बड़े खुश थे, थोड़ी देर में बोले लाओ भैया लाओ, क्या लाए, बना के लाए, निकालो, और जैसे ही खाया तो उसमें नमक ही नहीं था। क्या नहीं था? नमक। अरे उसके अंदर जो खाना बनाया ना, दो घंटे ठंड में पसीने पसीने हो गए पूरी तरह से, लेकिन वो जो उसके अंदर था, जीरा भी था, हल्दी भी थी, मिर्ची भी थी, और एक बाबा रामदेव का टेस्टी मसाला वो भी डाला था उसके अंदर, सब डाला था, लेकिन क्या नहीं था उसके अंदर? नमक। नमक तो खाना फीका, इतनी मेहनत करी, ये बोले रख दे उठा के, वहां जाके नमक डाल के खाएंगे, और बस में नमक मिलता नहीं, ऐसा हो गया। पूरी मेहनत मेरी क्या हो गई? बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई बताओ? हो गई, बर्बाद हो गई पूरी। नवीन प्रभु जी नीचे ठीक है, पूरी की पूरी मेहनत क्या हो गई? बर्बाद हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनो माता जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पूरी मेहनत खराब हो गई। अब इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली?
इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती, बताओ कोई बताएगा, हाथ खड़ा करें। मेहनत तो बहुत करी पर टैक्स नहीं, पूरी की पूरी मेहनत क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक इसी प्रकार वो खाना क्या था, फीका। क्या था? फीका। फीका खाना उसको कोई पसंद नहीं करता। जो बीमार हो जाते हैं उनसे पूछो कैसे खाते बेचारे, है ना। इसी प्रकार ही हमारा मनुष्य जीवन है। हो सकता है हम बहुत सुंदर हो, हमारे जैसा सुंदर अड़ोस पड़ोस क्या देश में भी ना हो, हो सकता है हमारी कद काठी स्वास्थ्य बड़ा बढ़िया हो सकता है हमारा घर इतना बड़ा इतना सुंदर हो आलीशान हो कि अड़ोस पड़ोस में किसी का भी ना हो सकता है हमारे बच्चे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है हमारे पास बहुत पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन ये सब होने पर भी अगर भगवान का भजन नहीं किया तो वो तुम्हारा जीवन ठीक वैसा है जैसे नमक के बिना वो सब्जी भोजन है जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बोली मीरा जी। मीरा जी बोली, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको। ये किसी भजन के अंदर है ना, मीरा बाई बता रही है कि आदमी को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इन भजनों को हम गा करके तो निकल जाते आगे, लेकिन उसके पीछे शिक्षा क्या छुपी हुई है, छोटे छोटे भजनों में बड़ी बड़ी शिक्षा यहाँ पर छुपी हुई है। मीरा बता रही है वृंदावन किसको कहते हैं, वृंदावन माने हम हमारा घर बड़ा छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, हर कोई तो नहीं जा सकता। लाला बाबू तो थोड़े बहुत लोग ही होते हैं जो एक तरफ हो गए, यहाँ बैठे जो एक तरफ हो गए, लेकिन सब लोग तो नहीं जा सकते। मीरा बाई बताती है, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, दर्शन को ठाकुर पूजा होती हो, लोग सब तिलक कंठी धारण करके और नाचते गाते भगवान का भजन करते पढ़ते लिखते खाते पीते बढ़िया जीवन को जीते हैं, हैं? ऐसा जीवन जो लोग जीते हैं वो वास्तविकता में जीवन देते हैं। वरना मैं खुद एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, इतने बड़े बड़े ऑफिसर लोग जिनका ढाई ढाई लाख रुपए महीना कमाते, कितने तीन लाख रुपए महीना सैलरी है, लेकिन महीना खत्म होता है ना सब उधारी की जिंदगी है उनकी, सब उधारी की। 10 लाख का मान लो, 10 लाख का उन्होंने कोई गाड़ी ले ली है, उसका लोन चुकाएंगे, जैसे लोन पूरा होगा फिर बोलेंगे गाड़ी तो पुरानी हो गई, अब तो मेरे को वो वाली गाड़ी चाहिए, फिर 25 लाख की ले लेंगे, फिर लोन भरते रहेंगे, सारी जिंदगी उधारी की हो गई है लोगों की, किसकी उधारी, पता ही नहीं जीवन में क्या करना है, जीवन हम क्यों जी रहे हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं, नौकरी भी हम क्यों कर रहे हैं, आए क्यों है इस दुनिया में, ये जन्म हमारा हुआ ही क्यों है, फिर मनुष्य शरीर क्यों मिल गया। अरे जब इतनी दुर्लभ वस्तु मिल गई है, ये बुद्धि विवेक इतनी चीज मिल गई है, गीता रामायण मिल गई है, सदगुरु मिल गए हैं, हमें ऐसा संस्कार जब मिल गया है तो हमें उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वरना वो क्या होगा, आत्महत्या होगी। इसको हमारे पुराणों में बताया, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नमस्व तेरितम पुमान भवाप्ति नातरेत स आत्महा। ये सब मिलने पर भी जो नहीं करता वो आत्महत्या करता है। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंशा गणपति भस्य कृपा सिंधु भैरव नमो नमः प्रभु की जय। अज्ञान ते मेरा अंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय। ये सब बच्चे हैं ना, सब कथा सुन रहे हैं ना, इसने भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी बच्चा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या भी लाख रुपया की तनख्वाह दे रहा है छोड़ करके, ये तो बाबा ही बन गया, वो सब भी नौकरी कर रहा है, ये लाला बाबू एक तरफ अज्ञान ते मेरा अंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो भागवतम में वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म जब बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण हुए तब उस समय पर गर्गाचार्य जी आए, तो गर्गाचार्य जी जब भगवान कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए तो उस समय पर नंद बाबा बोल रहे हैं कि महत मिथ विचल नाम ऋणाम गृह नाम दीन चेत साम निश्रेष्ठा है भगवान न अन्यथा कल्पते क्वचित, कि ये साधु लोग जो है
ये साधु लोग घर घर भ्रमण करते हैं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन क्या है, दीनहीन लोगों की अवस्था देखकर उनके हृदय में करुणा हो जाती है और उस करुणा के से विवश होकर ही वो लोगों के घर में जाते हैं और घर में जा जाकर क्या करते हैं, इसी प्रकार के सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं। हमारे मनुष्य जीवन की क्या सार्थकता होगी, हमारे मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इसके बारे में बताते हैं। प्रभु जी बता रहे थे ना कि इस प्रकार जो भजन बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने कहा है देखो कि राम नाम के अंक है, सब साधन है सुनो, अंक घटे कुछ हाथ नहीं, अंक रहे दस गुना। क्या बता रहे हैं इसके अंदर कि हमारा बहुत अच्छा मकान बकान सब चीज है, लेकिन ये जो संसार हम कर रहे हैं ये क्या है, ये एक जीरो है, ये जीरो है। लेकिन अगर हम इसके साथ में भगवान का भजन जोड़ देंगे, जैसे हम लोगों ने एक रखा, एक है, एक के आगे अगर आप जीरो लगाओ, गुरुदेव बताते हैं अगर एक के आगे जीरो लगाओ क्या हो जाएगा, और एक जीरो लगाओगे, और एक जीरो लगाओगे, और अगर एक हटा दो उसके बाद में जीरो लगाओ, और एक जीरो लगाओ, ट्रिपल जीरो, फोर टाइम जीरो, सब जीरो है। तो भगवान का भजन जो है वो क्या है, वो एक है। उसके साथ में अगर आप संसार करोगे, अर्थात हमारे गृहस्थ जीवन सब चीज जो हम कर रहे हैं कुछ भी करो, लेकिन वो क्या है, जीरो के समान है। जब तक उसके साथ भगवान का भजन नहीं है तब तक सब जीरो है, लेकिन अगर भगवान का भजन उसके साथ में है तो वो सब सब क्या हो जाएगा, दस दस गुना वर्धित होता रहेगा, दस दस गुना वर्धित होता रहेगा। तो इसी वजह से प्रभु जी बता रहे थे भगवान के भजन की महत्वता, और भगवान का भजन करने के लिए कलयुग के अंदर सबसे सरल उपाय भगवान ने बता दिया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतरित होकर उन्होंने कलयुग के जीवों की दुर्दशा देखी कि कलयुग का जीव क्या कर सकता है, तपस्या नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ कर सकता है कोई? पहले के ऋषि मुनि जो थे वो लाखों लाखों सालों तक जो है यज्ञ करते थे, हजारों हजारों सालों तक यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, तो हजारों हजारों सालों तक तपस्या में बैठे रहते थे। ऐसा आज का कलयुग का जीव तो कोई कर ही नहीं सकता, मन इतना चंचल है, ऊपर से शरीर की भी लिमिटेशंस है, तो कोई ये कर नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने कलयुग में बहुत ही सिंपल भगवान प्राप्ति का, सुखी रहने का साधन बता रखा है, वो क्या है, ये भगवान का नाम, भगवान का नाम, हरि नाम जो है उसको करने से कलयुग का जीव बहुत ही शीघ्र भगवान के पास में जा सकता है। और ये कलयुग, और इसके साथ साथ में क्या करना है, देखो दो चीजें हैं, ये तिलक, जो तिलक लगाते हैं वैष्णव तिलक जो होता है, भागवतम के अंदर अजामिल का प्रसंग आता है, अजामिल का नाम सुना है आपने, अजामिल का नाम किसने सुना, अजामिल जो था वो एक ब्राह्मण था। देखो मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, अजामिल एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जो है उसके बाद में उसने कभी जंगल में लकड़ी लेने गया था, तो उसने किसी वैश्य को देखा तो उसके प्रति आसक्त हो गया, आसक्त होकर उसकी बड़ी दुर्गति हो गई। बाद में उसके घर में संत आए, संत ने बोला कि तुम अपनी संतान का नाम क्या रखना, नारायण। तो वो अपनी संतान का नाम नारायण रख के सब समय नारायण 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 बोलता था सब समय, यद्यपि नाम तो उसकी संतान का है लेकिन वो क्या कर रहा है, भगवान का नाम लेता है। पहले के लोग जो थे ना इसीलिए अपने बच्चों का नाम भी जो है भगवान के नाम पे रखते थे। आजकल के लोग तो देखो टिंकू पिंकू क्या क्या अजीब अजीब नाम रखते हैं, लेकिन पहले के लोग इसी वजह से अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पे रखते थे। और कुछ नहीं करेंगे, मान लो भगवान का नाम नहीं लेंगे तो अपने बच्चों को बुलाते बुलाते ही भगवान का नाम तो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही अजामिल ने, वो संत ने क्या देखा कि अजामिल तो भगवान का नाम लेगा नहीं, नाम नहीं लेगा तो इसकी सदगति कैसे होगी, तो इसी कारण उन्होंने उसके बच्चे का नाम नारायण रख दिया। वो अपने बच्चे को जब नारायण 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 पुकारता तो इस वजह से उसका भगवान का नाम लेना हो गया। तो जब उसका अंतिम समय पर आया, अंतिम समय आने पर उसने जो है अपने बच्चे को ही पुकारा, क्योंकि जिससे सबसे ज्यादा आसक्ति होती है उसी को ही हम पुकारते हैं, तो उसने नारायण नाम बुलाया। नारायण नाम बुलाते ही वहां पर देखो नारायण चार अक्षर है ना, वहां पर चार विष्णु दूत आ गए, और चार विष्णु दूत आगने के बाद में, और वहां पर यमदूत भी थे, तो यमदूतों को उन्होंने लड़ाई करके, उन्होंने उनके साथ में उनको पिटाई करके भगा दिया वापस। तो यमदूत जब वापस गए यमलोक में, तो इन्होंने जो वहां पर जो यमराज है, यमराज वहां पर बता रहे हैं कि तुम उसके पास गए क्यों थे, वो तो मेरा भक्त है, हाँ भगवान, वो तो भगवान का भक्त है। तो बोले हम पहचानेंगे कैसे कि कौन भगवान का भक्त है कौन भगवान का भक्त नहीं है। तो यहाँ पर यमराज स्वयं कह रहे हैं कि जिसके तिलक, जिसके ललाट पर तिलक हो, जिसके ललाट पर सुंदर तिलक हो, ऊर्ध्वकुंड तिलक हो, वो भगवान का भक्त है। जिसके कंठ में त्रिकंठिका हो, तीन राउंड की कंठी जिसने पहन रखी हो, वो भगवान का भक्त है। जो भगवान का नाम करता हो सब समय, वो भगवान का भक्त है।
जैसे गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, आपने देखा होगा एक तो गली गली में कुत्ते घूमते हैं और एक किसी का पालतू कुत्ता होता है कि नहीं? क्या कैसे हम लोग फर्क कर सकते हैं? जो पालतू कुत्ता होता है ना उसके गले में हमेशा पट्टा बांध के रखता है मालिक, है ना, चेन बंदी भी होती है, पट्टा बांध के रखता है और उसी मालिक का इससे देख के पता रखता है कि वो पालतू है। लेकिन जो गली के पालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में पट्टा होता है, उसके गले में पट्टा नहीं होता है। तो ऐसे ही कंठी जो है हमारे कंठ में, हमारे गले में अगर ये कंठी है तो इसका क्या मतलब है? हम भगवान के फालतू हैं, हम भगवान के हैं। लेकिन अगर कोई ये कंठी नहीं पहन रहा तो वो लोग फालतू है और फालतू लोगों को निश्चय रूप में यमदूत लेकर जाएंगे। जिन लोगों ने कंठी नहीं पहन रखी है, जिन लोग के सर पर तिलक सुशोभित नहीं है, तो उनका पक्का जो है यमदूत, यमदूत की लिस्ट में नाम लिखा हुआ है वो किसी भी घड़ी। और देखो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के समय पर अगर उसने कंठी पहन रखी हो तो कभी उसको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। शास्त्र में वर्णित ये चीजें। इसी वजह से मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? यही तिलक धारण करने में, कंठी पहनने में, भगवान का नाम करने में, भजन करते करते जो है हमारा जीवन सार्थक करना, यही इसकी सार्थकता है। क्योंकि खाना सोना ये सारी चीजें तो जानवर भी कर रहे हैं। गुरुदेव बता रहे थे ना किस प्रकार सुअर जो है कितने बच्चों को जन्म दे देता है। हम लोगों को अगर कोई संतान उत्पत्ति होती है तो उसको पढ़ाने खाने में पूरा ठीक से उसको तैयार करने में 20-25 साल लग जाते हैं। एजुकेशन में उसके बाद में जॉब करता है 20-25 साल सबको लग ही जाते हैं कम से कम। लेकिन एक सुअर एक महीने के अंदर जो है उसके बच्चे एकदम रेडी हो जाते हैं, इधर उधर अपना खाना भी ढूंढ लेते हैं। अल्टीमेटली अगर खाना सोना ही है तो फिर तो मनुष्य में और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं रह गया। समझो इस बात को बहुत ही ध्यान से कि मनुष्य जीवन में और जानवरों में फर्क क्या है। हम भगवान का भजन कर सकते हैं, ये ही एकमात्र फर्क है। और भजन करने की विधि आपको पता चली गई है, क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, गले में कंठी पहननी है, तिलक धारण करना है। ठीक है, यही बोल के मैं अपने वक्त को विराम करता हूँ। चार लोग तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित ब्रह्मचारीगण चरण कमलों में कोटि कोटि दंड प्रणाम और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों माता बहनों सबके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। महाराज की आज्ञा हुई कि एक बहुत सुंदर कथा महाराज श्रवण कराते हैं, चार भोग की कथा। एक राजा था, उसकी चार रानियां थी। कितना रानियां थी? चार। अभी प्रभु जी कथा सुनाएंगे ना, इसको बाद में मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ तुमने क्या कथा सुनी, ठीक है ना? जो बोल देगा उसमें हम इनाम दूंगा, बढ़िया इनाम दूंगा, ध्यान दे सुनने सब। चार रानियां थी, उनमें एक रानी बहुत सुंदर, जो सबसे बड़ी रानी थी, बहुत अच्छी सुंदर, उससे छोटी उससे भी सुंदर और उससे भी छोटी। अरे वो खत्म हो गया ना क्या? अरे वो सुबह से भाई काम आया था। एक से बढ़कर एक सुंदर रानियां थी जो सबसे एक से सुंदर एक रानियां, चारों रानियां उनकी थी। एक रानी को जो बहुत सुंदर तरीके से मीठी मीठी बातें किया करते थे, एक रानी को वो सुंदर रथ में बिठा करके अपने साथ भ्रमण कराते थे, एक रानी को सुंदर तरीके से उसका साथ व्यवहार करते,
और एक रानी को वो देखते भी नहीं थे। जो चौथी रानी थी वो सदैव इसी आकांक्षा में रहती थी कब राजा आए, मुझसे वार्ता करें, मुझसे मीठी मीठी बातें करें। लेकिन उनको इतना समय नहीं था कि चौथी रानी को वो देखें। चौथी रानी सदैव इसी लालसा में कि अब आएंगे राजा, अब आएंगे राजा, समय व्यतीत कर रही थी। तो समय बीता, राजा वृद्ध हुए और मरणासन हुए, मरण शैया पे बैठे थे, मृत्यु शैया में लेटे थे। अब उन्होंने पूछा कि मैं मृत्यु आ रही है, मुझे जाना है, मेरे साथ कौन कौन चलेगा? प्रजा से पूछा, प्रजा ने मना किया, पुत्रों से पूछा, पुत्रों ने मना किया। अब चारों रानियों में से सबसे एक एक करके पूछा। जो रानी सबसे ज्यादा सुंदर थी उससे पूछा कि मैं तेरे लिए पूरा जीवन तुझे कुछ ना कुछ ला करके देता, सुंदर उपहार ला के देता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। दूसरी से पूछा, दूसरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चौपट तक चलूंगी, उसके आगे मैं नहीं जा सकती। तीसरी से पूछा तो उन्होंने कहा मैं कुछ प्रांगण तक चलूंगी, आंगन तक चलूंगी, और उसके आगे मैं नहीं जा सकती। तब तीन रानियों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए, राजा बड़े ही हतोत्साहित हो गए। सोचने लगे तीनों रानियां, जब जिनको इतना मैंने ध्यान दिया, प्यार दिया, हमेशा उपहार दिए, इन्होंने मना कर दिए। चौथी रानी को तो मैंने आज तक पूछा ही नहीं, कभी कोई उपहार नहीं दिया, तो ये शायद ही जाएगी। तब भी चलो इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। हल्की आवाज में उन्होंने पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एकदम से उतावली होती हुई रानी ने कहा हे राजा, मैं तो कब से आतुर थी कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मुझसे मेरे साथ चलने के लिए कहो, अपने साथ चलने के लिए कहो। मैं तो सहदेव और सहदेव तुम्हारे साथ थी, हूं और आगे भी रहूंगी। तो ये चार रानियां कौन कौन हैं, इसको हम श्रवण करें। प्रथम जो राजा बड़े प्रेम करते थे, जिससे प्रेम करते थे, सुंदर तरीके से रखते थे, वह रानी कौन थी? वह रानी थी हमारा शरीर, जिसको हम लोग जो है सुंदर तरीके से नहलाते हैं, धुलाते हैं। और हम लोग जो हम जीव हैं, वो राजा है, यूं समझ के चलिएगा। तो राजा पूछ रहे हैं कि तुम में से कौन चलेगी? तो चौथी रानी ने कहा मैं चलूंगी। तो पहला जो है शरीर रूपी रानी ने मना कर दिया। दूसरा जिसने कहा कि हम तुम्हारे साथ जो है प्राणियों से जाएंगी, उसके आगे नहीं जाएंगी, वो कौन थी? वो था धन। उसने ये भी कहा था कि तू कब मरे और मैं तब दूसरे के हूं। तो ये थे धन, जो हमारा जितनी भी जीवन भर हम कार्य करते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, हमारी मृत्यु के बाद हमारा नहीं होता, वो खाया हो जाता है। ऐसे ही जब तीसरी रानी जिसने कहा कि हम तुम्हें आगे तक शमशान तक जाकर के अंतिम संस्कार करके टाके, चौथी रानी जिसने कहा कि तुमने मुझे आज तक पूछा नहीं और मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी, चलने को आतुर, वो क्या करती है? उस तरफ हम चले जाते हैं, सारा कार्य करने में, सारी संपत्ति जोड़ने में। लेकिन ये तीनों रानियां हमसे कभी संतुष्ट नहीं होती, और यदि हम थोड़ा सा भी हरिनाम की भक्ति करें तो चौथी रानी स्वरूप भगवत भगवान और भगवान का नाम हमसे एकदम संतुष्ट हो जाता है और हमें पूर्ण रूपेण हमें आशीर्वाद दे करके अपने धाम में ले जाता है। तो इसीलिए सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री वृंदावन।
आनंद की जय। श्री राधेय। देखो प्रभु जी का नाम क्या है? मेरा अनिल कुमार। देखो आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है, इसलिए अनिल कुमार प्रभु जी घर में आज संत लोग आए, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है। इसलिए भागवत में बताया जिस दिन घर में संत लोग आ जाए, घर में भगवान का कीर्तन और कथा हो, कहते घर घर नहीं रह गया वो तो भगवान का धाम बन गया, भगवान की धाम गोलोक वृंदावन बन गया। जिस घर में संत आकर कीर्तन करते है ना, कितना मंगल भवन मंगलहारी। घर का जितने दुख कष्ट भगवान का कीर्तन होने पर घर से सबके सब निकल करके चली जाती, घर पवित्र हो जाता है। पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं, कहाँ पर? जहाँ पर संत लोग आए और जहाँ पर भगवान की कीर्तन कथा हो है वो भगवान का धाम बन जाते हैं। इसलिए आप लोग भी घर में क्या करना, संतों को बुलाना, घर में हरि कीर्तन कराओ। संत लोग नहीं आएंगे तो जुआरी आएंगे, नहीं तो शराबी आएंगे, घर में कौन आएगा? अभी हमारे घर में संत लोग नहीं आते, कौन आते हैं? शराबी आते हैं, जुआरी आते हैं। इसलिए घर में अगर संत लोग आएंगे ना, फिर घर में जुआरी शराबी कराबी कोई नहीं आएंगे, क्यों? भगवान की धाम बन जाएगा, ठीक है ना। घर में संत लोगों को बुलाओ, घर में हरि कीर्तन कराओ, बच्चों को बड़े अच्छी संस्कार बनेंगे, बच्चे धार्मिक बनेंगे, अभी तुम्हारी सेवा भी करेंगे, बता रहे थे ना, मटका भी उठाएगा और पिता माता के चरण भी बच्चा छुएगा, ठीक है। इसलिए देखो नियम है, जब घर में संत आए ना, संतों से कुछ दो और संतों से कुछ लो, कुछ दो और कुछ लो, भले दे किया और ले किया, भले जितने गंदी चीज को दे दो, जितने गंदी चीज को दे दो, बोले ले किया, भले ठाकुर का भक्ति लो, ठाकुर जी की भक्ति लो, भले चार चीज गंदी है जो संतों को दे देनी चाहिए, भले चार चीज गंदी क्या है, भले जुआ नहीं खेलनी चाहिए। परीक्षित महाराज चार स्थान में कली को निवास दिया, पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए है, जुआ खेलने पर सत्य नष्ट हो जाती है। दूसरा नंबर किसी तरह का नशीली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा, चाय तक भी नहीं लेनी चाहिए, चाय भी गंदी है, उसमें निकोटीन और उसमें पॉइजन कफरीन डालते हैं, ये गंदी चीज को नहीं लेनी चाहिए। तीसरा जो चीज है मांस मछली अंडा, तुम तो कोई नहीं खाते होगे, लेकिन घर में कोई प्याज खाता होगा, प्याज खाते हो ना, कौन कौन प्याज खाते हो, प्याज कौन खाते हैं? इसलिए प्याज भी देखो, प्याज नहीं इसलिए नहीं खानी चाहिए। आप लोग नवरात्रि रखते हो, कौन कौन रखते हो नवरात्रि, हाथ उठाओ तो, कौन 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो? क्यों नहीं खाते हो 9 दिन तक? क्यों नहीं खाते हो? ऐसे नहीं 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा इसलिए ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्यों 9 दिन तक क्यों प्याज लहसुन नहीं खाते हो? कारण क्या? कारण है माता जी को पसंद नहीं, इसलिए नहीं खाते हो ना। क्या 9 दिन तक मैया खुश रखो फिर खा करके नाराज कर दो? नहीं। इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, हैं? वो चीज को हमें भी नहीं लेनी चाहिए, वो गंदी चीज है। देखो क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसको सुन लो अच्छे तरह से। ये प्याज लहसुन क्यों 9 दिन तक नहीं खाते हो, और ये प्याज लहसुन क्यों ठाकुर जी को सेवा में नहीं लगती, ध्यान देकर सुन लो। पहले संत लोगों का आश्रम में गैया पालते थे, गैया माँ है, इसलिए अगर बुरी हो जाए ना गैया को मरने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ में उसको बलिदान देते थे और सबको हाथ में दे देते थे आहुति देने के लिए। कोई गैया होगी बूढ़ी, गैया को उन्होंने यज्ञ किया, सबको बुलाया, बलिदान देकर सबका हाथ में मांस दे दिया, हर तरह के लोग रहते हैं। किसी एक राक्षस प्रकृति का लोग था जिसने लाल लाल मांस देकर खाने की इच्छा हो गया, बोले सबके सामने खाएंगे इसे, बोले अभी छुपा दो राख में, जब चले जाएंगे ना फिर निकाल कर खाऊंगा, सबके सब आहुति डाले। ऋषि ने मंत्र पढ़े तो गैया एकदम जवानी बन करके निकली हवन कुंड से, हैं? इतने मंत्र शक्ति थी, लेकिन जिस जगह का मांस उसने छुपाया था वहां इतना बड़ा घाव बना हुआ, क्योंकि उसका अंग का मांस छुपा दिया ना, वो भरा नहीं, ऋषि तो साधारण थे ही नहीं, ध्यान लगाया ये पूरा क्यों, यहाँ पर घाव क्यों, ध्यान लगा करके देखा किसी दुष्ट व्यक्ति ने उसको खाने के लिए छुपाया, अभिशाप दे दिया, बोले जा जहां पर ये मांस को काट दिया, मांस जैसे लाल लाल रंग का, वहां से प्याज की पौधा होगी,
प्याज भी लाल लाल बनेगा, जैसे मां से सड़ जाए जिसे बदबू आती है, कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आएगा, बात नहीं कर सकता हूँ। अगर यहाँ प्याज काटोगे ना पता चलेगा कि प्याज कहीं कट रही है, प्याज काटो आंखों से आंसू निकल करके आ जाती है। इसलिए कहीं ठाकुर को सेवा में लगता है, 9 दिन तक खाते हो, इसलिए 9 दिन तक नवदुर्गा में कोई नहीं खाते, क्यों, उसको खाने से को मांस खाने का पाप लगता है, इसलिए 9 दिन तक कोई इसको नहीं खाते, इसलिए नहीं खाते चीज को। जहां पर हड्डी गाड़ दिया वहां लहसुन की पौधा हो गई है, इसलिए ये सब चीज को वर्जित करनी चाहिए। बोले भाई हमारे घर में कहां से आ गया, जानते हो ये सब चीज को कौन लाए, मुसलमान लोग लाए, ये मुगल ने लाए, क्यों, पहले हर हिंदू घर में ठाकुर होते थे, राम होते थे, कृष्ण होते थे, ठाकुर जी को भोग लगता था, खाना खाते थे, लेकिन ये मुसलमान कितने मांस हैं, ये शराब, ये मछली, अंडा, प्याज, लहसुन सब मुसलमान लाए और हमको खिला कर सब मुसलमान बना दिए। वो तो हमारी कोई चीज को ग्रहण नहीं किया, हिंदुओं का कोई चीज ग्रहण नहीं किया, लेकिन हम हिंदू होकर के ना सब मुसलमान बन गए, प्याज लहसुन खा खा करके। इसलिए मुसलमान बोला ना हिंदू बनना है तुमको, अरे बोलो हिंदू, इसलिए हम हिंदू है, हम मुसलमान नहीं, इसलिए कोई चीज को प्याज लहसुन नहीं खाने का, जो कुछ खाओ भगवान की भोग लगाओ, ठाकुर को तुलसी दल से भोग लगाओ, ठाकुर को भोग लगा करके घर में सबको खाना खिलाओ, खुद भी खाओ। देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मा करना, बोले जो अपना लिए खाना बनाकर खुद खा लेते हैं, मेरे को भोग नहीं लगाते हैं, क्या भोजन करते हैं, बोले पाप भोजन करते हैं। ये उपनिषद कहता है स्वान बिष्टा, स्वान मतलब होता है कुत्ता, बिष्टा मतलब उसका जो टाटी, जो मेरे को भोग नहीं लगा कर खाना खाते हैं, ये श्लोक स्वान बिष्टा समच अर्ण, वो जो अन्न दाल भात वो कुत्ते का बिष्टा खा रहे हो, दाल रोटी नहीं खा रहे हो, नीर मतलब पानी, वो पानी किया, बोले पेशाब, जो ठाकुर को भोग नहीं लगता है वो पेशाब के बराबर पानी हो गया है। इसलिए सुदामा का नाम सुने हो, कौन कौन जानते सुदामा का नाम, हाथ उठाओ तो, ये सुदामा देखो अच्छे तरह सुन लो, ये सुदामा पहले गरीब क्यों बना, ये बाद में धनी क्यों बना, आप लोग टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जा रहे थे जंगल में, उनको गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया था, बोले बेटा कन्हैया को देख कर खाना, लेकिन उसने क्या किया, छुपा छुपा कर खाया, इसलिए उनको अकेले खाया, इसलिए उनको गरीब बनना पड़ा। धनी कैसे बना, जब उसको पत्नी को पता चला इनका बचपन का जो यार दोस्त है कृष्ण द्वारका में, द्वारकाधीश, बोले जाओ कृष्ण को दर्शन करके आओ, गरीबी दूर हो जाएगा। बोले ठाकुर के पास में खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए, उसने 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए, जब 3री मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, नहीं अब 2 मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर 3री मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी दासी बन जाती और मत खाओ। जब सुदामा घर में आया, राज महल बना हुआ, हजार हजार दासियां सेवा कर रही थी हैं, और उसका जो पत्नी थी ना रानी बनकर के बैठी हुई, उसकी पत्नी आरती उतारने के लिए आई, वो पीछे हट रहा था, बोले राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है, वो पीछे हट रहा था, तो सुशीला ने कहा मेरे को पहचान नहीं कर, तू रहे कौन, बोले आपको मैं यही सुशीला हूँ, उन्होंने देखा बोले ऐसे तो लग रहे हो, ये क्या सब है, बोले ठाकुर को चिड़वा लेकर के ना ठाकुर के 2 मुट्ठी खाए ना राता रात की सब दे दिया, अगर भगवान को भोग लगा खाओ ना कुमाल आएगा लक्ष्मी आएगी घर में, अगर भोग नहीं लगाओ ना जी लक्ष्मी वो भी चली जाएगी घर से, वो भी घर से चली जाएगी। अब बताओ कौन लक्ष्मी कौन नहीं चाहते, बोला माल कौन नहीं चाहते, दुनिया चाहते, इसलिए भगवान की भोग लगाओगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, नहीं तो लक्ष्मी घर से चली जाएगी। इसलिए प्याज लहसुन को नहीं खाना, नहीं खाना ठीक है ना, घर में भोग लगा करके बोलेंगे स्वाद नहीं आता है, बगैर प्याज लहसुन स्वाद नहीं, वो बदबू है, प्याज लहसुन खा खा कर स्वभाव बिगाड़ दिया है, दाल का एक अलग स्वाद, सब्जी का एक अलग स्वाद, अब कुछ दिन मत खाया करो प्याज लहसुन, तू खा नहीं सकते हो, वह खड़े भी नहीं हो सकते हो प्याज लहसुन कटेगा तो, इतने बदबू है, लेकिन उसको खा खा कर ना आदत हमने बिगाड़ दी सबके सब, इसलिए प्याज लहसुन को त्याग दे करके क्या करो भगवान के ठाकुर को भोग लगाओ, तुलसी दल से कृष्ण को भोग लगाओ, राम को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, सबको खिलाओ, ठीक है ना, इतना काम तो रोज कर लेना, और क्या करना, भगवान के नाम जप करना, भगवान की नाम जप करना, क्यों अभी बता रहे थे ना प्रभु जी, चार ही बहू, कोई बहू साथ में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ,
लेकिन जिसको जीवन में निगलेक्ट करके रखा ये बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन लास्ट में वही बहू साथ में जाती है, हैं? शरीर चला गया, पैसा चला गया, पत्नी चली गई, परिवार चले गए, लेकिन जिस बहू को उसने अनादर किया, भगवान की भक्ति भगवान का नाम को नहीं करता था, बोले बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन अंतिम समय आया तो इसलिए मरते समय क्या बोलते बोलते ले जाते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो करते है, सब कोई बात झूठा है। मतलब क्या है, बोले बेटा जितने राम का नाम तू लिया है ना, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ कमाया धमाया जो कुछ किया सब यही छोड़ करके जा रहे हो, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है, पत्नी जाएगा तो कहां तक जाएगी, दरवाजा तक जाएगी, परिवार जाएंगे तो कहां तक, शमशान तक जाएंगे, उसका आगे क्या साथ में जाएगा, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम धन जाए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग हमारे मंदिर में आओ, जैसे परिवार आते हैं मंदिर में आओ, भगवान की कथा सुनो, बच्चों को भी ले आया करो, हैं? बच्चों को अंदर में अच्छे संस्कार बनेंगे, घर में शांति सुख रहेगा, उल्टा सीधा रास्ता में बच्चे नहीं जाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं फूकेंगे, उल्टा सीधा रास्ता पर नहीं जाएंगे, घर में शांति सुख बने रहेगा। और एक काम करियो, एकादशी व्रत रखियो। आप बताओ तो एकादशी कौन कौन रखते हो, ठीक है सही सही बोलो, तुम लोग तो हमारे भक्त लोग, तुम लोग कोई नहीं रखते ना, एकादशी व्रत रखो, ठीक है ना। सबसे बड़ी ये एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी से बड़ा व्रत दुनिया में कुछ नहीं है। कल जो एकादशी थी ना, बहुत बड़ी एकादशी थी, आप व्हाट्सएप में पढ़कर देखना, बोले 40 साल कल जो एकादशी थी, दशमी एकादशी द्वादशी दशमी द्वादशी त्रयोदशी, ये तीनों मिल करके एकादशी पड़ी थी। 40 साल एकादशी व्रत करने से जो फल मिलता है, कल का जो एकादशी थी उसको करने का वही फल मिलता है। और जो एकादशी को बताया ये भक्ति की जननी, और ये कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है, कल्पतरु व्रत, मतलब क्या, जो मांगोगे एकादशी करके तुमको सो मिल जाएगा है। एक एकादशी का नाम पुत्र था, मतलब जिसके घर में संतान नहीं होता है, एकादशी करो घर में बेटा आ गया। एक का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिस घर में लक्ष्मी की कमी है, पैसा नहीं आता है, कहते वो एकादशी करो घर में मां लक्ष्मी आएगी। एक का नाम मोक्षदा, अगर संसार से जो कोई मुक्ति पाना चाहते हैं उसको करो घर में संसार से मुक्ति मिलेगी। एक का नाम पाप मचनी, जिसको करने से घर का सारे पाप नष्ट हो जाएगी है। एक का नाम विजया, जिसको करने से सबसे बड़ी विजय विजय होगी। इसलिए दुनिया में देख लेना, जैसे कोई कोई व्यक्ति अंतिम सजा में लेटा हुआ है मरने वाला, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही, किस तरह से सजा में लेटा हुआ, उसमें टाटी पेशाब कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, और ब्राह्मण को बुला करके बोले इसकी जल्दी जल्दी सदगति कैसे होगी, जानते हो क्या बोलेगा, कोई एकादशी व्रत करे उसका फल दे सकते हो, वो और कोई बाहर व्रत का नाम नहीं लेगा, बोले कोई एकादशी व्रत करे उसका फल दे सकते हो, रहते ही उसका प्राण चली जाएगी, इतनी शक्ति एकादशी व्रत में, इससे बड़ा व्रत दुनिया में कुछ नहीं, इसलिए एकादशी व्रत रखो, ठीक है ना। ये मत सोचना नहीं विधवा करते हैं, नहीं सत नहीं, ये सब गलती बात है। भागवत पढ़ करके देखो, नंद यशोदा खुद करते थे, श्री रुक्मांगद महाराज करते थे, रुक्मिणी सत्यभामा करते थे, सबसे बड़ी एकादशी पांडवा निर्जला, जिसको द्रौपदी कुंती सबके सब करती थी है, अम्बरीश महाराज करते थे एकादशी करियो, हरिनाम करना ठीक है, गले में तुलसी कट्टी पहनो, तिलक लगाओ और भगवान का नाम करो, भगवान को बोला ठीक है, इतने से हमारी कल्याण हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तब तो मंदिर में आयो, जिसको इच्छा होगा माला करने के लिए ना, मंदिर में आकर माला लेना ठीक है। पता जी ठाकुर को भोग लगा दिया कि नहीं, भोग लग गया, हाँ जी ठीक है। एक मिनट यहाँ पर प्रसाद के लिए ना, कहाँ प्रसाद पाए।